एक दो मिनट के लिए आते होंगे, बट आते हैं शाहरुख खान आता है, शाहरुख खान कभी कभार आता है सिर्फ ईद पे अपने बर्थडे पे, या हर संडे आते हैं, तो आज संडे है, ट्राई कर रहा हूँ, देखो होता है नहीं, प्लीज सीरियसली रेडी होकर निकला हूँ, अदरवाइज इतनी गंदी नींद आ रही थी, मस्त ए सी चल रहा था, मैं सो रहा था, तो फिर भी निकला हूँ, होप कि ये विजिट बर्थ रहे बचा रहे। कौन सी कहाँ तक ये किसकी इसकी थी अमिताभ बच्चन की? हाँ हेमा मालिनी, धर्मेंद्र का घर कल ही देखा था। किसका? गोविंदा का भी देखा हाँ कल। सो यार फाइनली अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं और रश देख लो अभी से इतना है, और जबकि ये लोग बहुत टाइम पहले से आके खड़े हैं, मैं आया हूँ सिर्फ 30 मिनट्स पहले, और अब मेरे को जहाँ तक है मैं फिर भी सबसे फर्स्ट रो में ही लगूँगा, और अभी जो जिन लोगों को लग रहा है कि ऐसे ही देखने को मिलेगा, नहीं यार पूरे बैरिकेड्स लगते हैं, तो मेरे को फुल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं फिर भी फर्स्ट रो में ही लगूँगा। मतलब यार क्रेज़ देखो आप लोग, क्या बात है, लोग इतनी धूप में भी खड़े हुए हैं, बट चलो देखो कब तक आते हैं, बिकॉज 5:30 से 6 बजे तक के बीच का टाइम होता है, तो चलो अभी तो 40 मिनट्स बाकी है। इससे पहले कभी आए हैं यहाँ पे? पहली बार ही है। कहाँ से हो? इंदौर से। अच्छा चलो, मतलब हम यार दूर से आए हैं लगता है। ये अमिताभ जी के पर्सनल भी नहीं बोल सकते, पूरी बिल्डिंग के अपना बॉडी गार्ड्स हैं अपना परमानेंट वाले, बिकॉज पिछले 1-2 साल से यही दिख रहे हैं हर बार। क्राउड देखो यार पीछे कितना ज़्यादा है, एक दिन ऐसा तुम्हारे भाई के लिए होगा। और ये सारे जने अपना, एक्चुअली मुंबई में एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, सबके लिए ना एक ही गेट लगा हुआ है सेम ऐसा, पता नहीं क्या हो गया। अब यहाँ पर ये बैरिकेड्स को प्रॉपर से टाइट कर रहे हैं, मैंने बोला था ना साइड्स में लगते हैं, तो जो लोग खुशी खुशी साइड में जा रहे हैं लगने, भाई लगो मत, उधर से तुम्हें दिखेगा नहीं अगर तुम 5-5.5 फीट की हाइट के, तो इसलिए हमेशा बीच वाली जगह में लगो जहाँ मैं लगाऊँ। आपको शायद समझ आ गया होगा कि मैं क्यों नहीं बीच में ज़्यादा घुसा, बिकॉज मुझे नॉलेज थी कि बीच में ही लगना है, साइड में 2 बड़े ये गार्ड्स लगते हैं अपना, और बीच वाले में छोटा लगता है जो पुलिस चौकी वाले होता है, तो उधर से हमें पूरा अच्छा व्यू आएगा। ये लोग पीछे मेरे जितने भी खड़े हैं ये लोग समझदार हैं, तो इनको पूरा अच्छा व्यू मिलने वाला है, साइड वालों को सिर्फ जालियों में से देखने को मिलेगा। मैडम तोड़ते हैं जब लोड आता है ना, पब्लिक गिरने का चांसेस ज़्यादा रहता है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। हाँ पब्लिक एक के ऊपर एक। ये 2-3 फैन को ऐसे हैं कि शायद ये हर संडे आते हैं ऐसे, शायद ये मैंने पोस्टर हर बार देखा है, इसमें अमिताभ बच्चन की पुरानी सारी पिक्चर्स के वो लगे हुए हैं, तो ये भी एक टेंशन अच्छी मिल जाती है बंदे को भी। और ये इनका पर्सनल फोटोग्राफर बोल सकते हैं सिर्फ संडे के लिए, और ये मोटू हर बार इधर ही मिलता है आपको पिक्चर्स क्लिक करता है, और ये अमिताभ जी बाद में बोल सकते हैं, तो ये वाला फोटोग्राफर इनका अपना ही मान के चलो। तो जो अपकमिंग वीकेंड पे जाने वाले हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया एडवाइस है कि आप लोग 5:00 बजे पहुंचिए जलसा की लोकेशन पे, बिल्कुल आधे घंटे पहले। 5:15 पे बैरिकेशन होती है, आफ्टर दैट आप इजीली देख सकते हैं। 4:30 आने का भाई कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ कहीं पर 5:30 की जगह 6:45 बजे भी पहुँचते हैं, तो गर्मी बहुत है मुंबई में, तो आप उस अकॉर्डिंग ही अपना प्लान बना के आइए। और बस 3-4 मिनट और फिर हम देखेंगे हमारे बाप लोग के ज़माने का हीरो, बाप लोगों की क्या कि आजकल की भी जनरेशन के फेवरेट हैं एक्टर, सीरियसली मैंने बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखी हैं इनकी। और चलिए 3, 2, 1 लगी। मैं क्या है हम साले
क्या बोले यार, बट लेकिन अमेजिंग ठीक है, मतलब जितनी लंबी हाइट दिखाते हैं अपना 6+ समथिंग, अपना 6 से नीचे ही है तो ठीक रहेगा अपना, बाकी बहुत ही मज़ा आया। अब चल रहे हैं अगली जगह पे, एंड आई होप कि इसे बहुत देर आया यार, पिछली बार अपना लास्ट संडे आया था 1.5 मिनट के लिए, आज लेस देन 1 मिनट, तो फिर भी चलो देखने को मिला ठीक है। अमिताभ बच्चन जी जल्दी साथ में बैठ के चाय पी के